दिन अवैध शराब गांजा जुआ खेलने का आरोप लगते ही रहने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होना इस बात का प्रमाण है कि उनका किसी बड़े अधिकारी के साथ सेटिंग है। जांजगीर चांपा जिले के हसौद थाना अंतर्गत ग्राम बेरेकेल कला के ग्रामीणों द्वारा विगत 11 सितंबर को अवैध गांजा व शराब बिक्री कराने एवं जुआ खिलाने का आरोप लगाते हुए हसौद थाना में पदस्थ आरक्षक अश्वनी जायसवाल के विरुद्ध लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उक्त आरक्षक के द्वारा आपराधिक व्यक्तियों से साठ गांठ कर पैसा लेकर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। आपको बता दें, यह आरक्षक अश्वनी जायसवाल के ऊपर हसौद के महिला कमांडो टीम के द्वारा पूर्व में भी महुआ शराब बेचने वालों से अवैध पैसा लेकर अवैध जहरीली शराब में इनकी संलिप्तता की बात कही गई थी। ऐसे आपराधिक छवि वाले आरक्षक के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते हुए पुलिस प्रशासन इन पर मेहरबान है। अश्वनी जायसवाल थाना के जो आरक्षक है, ग्राम बड़े किलमा अवैध शराब जो बिका थे महुआ दारू उकर मतलब श्रेय में बिका थे, और वह हर दिन मतलब ना वहाँ जाके जो बेचने वाला डीलर है उकर से पैसा वसूल करते और कुछ नहीं बोले, वहाँ ना कोई रिपोर्ट नहीं लिखे। जो यहाँ के थाने में है ना अश्वनी जायसवाल, वो थाने हर कोई को दारू बेकवाते हैं और बोलते हैं कि जो पकड़े जाते हैं हम लोग तो बोलते हैं कि हम लोग तो थाना वालों को पैसा देते हैं, अश्वनी जायसवाल को ऐसे बोलते हैं और हम लोग को गाली देते हैं। आप सुनाप उन्होंने किसी जायसवाल व्यक्ति का नाम बताया है और संभवतः वो लोग से पुलिस आरक्षक होना बता रहे हैं, इसके संबंध में आवेदन भी दिए हैं, इसके संबंध में जांच करके अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हसौद से देवेंद्र निराला की रिपोर्ट, ACN 24। और प्रदेश में होने जा रहे पुलिस की 580 पदों की भर्ती के लिए जिला कलेक्टर ने एक अनोखा पहल तेजस एकेडमी की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों को निशुल्क ट्रेनिंग व टिप्स दिया जा रहा है, जिससे अभ्यर्थी काफी खुश नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 580 पद पुलिस विभाग में निकाला गया है, जिसके लिए पूरे प्रदेश भर में युवा जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से तैयारियों में लगा है। इसी कड़ी में रायगढ़ में तेजस एकेडमी द्वारा लगभग 160 बालक बालिकाओं को सहायक निरीक्षक पद के लिए तैयारी करवाई जा रही है। रायगढ़ स्टेडियम में भी इसकी झलक देखने को मिली। सैकड़ों की संख्या में युवा बालक बालिकाएं स्टेडियम में फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए पहुंचे थे। यहां तेजस एकेडमी के ट्रेनरों द्वारा उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग दी गई। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे युवक युवतियों ने ट्रेनरों से मार्गदर्शन लिया और उन्हें ट्रेनरों द्वारा 1500 मीटर की दौड़ कराई, और इस दौड़ का एक समय भी निर्धारित किया गया था। उस समय के अंतराल में ही इन्हें दौड़ पूरी करनी थी और उन्हें कुछ फिजिकल टिप्स भी बताए गए, जिसके जरिए उन्हें आगे इनका लाभ मिल सके। निश्चित तौर पर रायगढ़ कलेक्टर सम्मी आबिदी और रायगढ़ SDM भागवत जायसवाल ने कहा कि यह सराहनीय पल है जो रायगढ़ के सभी छात्रों के लिए तेजस एकेडमी खोली गई, जिसमें कि रायगढ़ ही नहीं रायगढ़ के आसपास के बालक बालिकाएं भी मुफ्त में हर प्रकार की शिक्षा का लाभ ले पा रहे हैं। बताएंगे आप? मेरा नाम सम्मीपुर सेठ है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही रायगढ़ का हूँ, टीवी टावर जलपुर। ये आज आप सब तैयारी के लिए आए हैं? हाँ। बताइए, अभी यहाँ पे SI का तैयारी कर रहे थे। तेजस एकेडमी के द्वारा यहाँ पर अनुभवी ट्रेनर्स और अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से यहाँ पर तेजस में इसका SI की तैयारी चल रही है अभी, और बहुत अच्छा ट्रेनिंग चल रहा है। सुबह एक बैच लगता है 5 बजे, 5 से 7, और शाम को लगता है 5 से 7। लगभग कितने की संख्या में युवा आ रही है? अभी यहाँ पर तकरीबन 70 से 80 लोग यहाँ पर अभी आते हैं, बॉयज और गर्ल्स को मिला के। क्या लगता है आपको, इससे आपको फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक अनुभवी लोग मतलब 1997 से लेकर 2011 तक के बैच के जितने भी अनुभवी यहाँ पे SI सब इंस्पेक्टर जो रह चुके हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, अच्छे अनुभवी टीचर्स हैं। मुझे लगता है निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में यहाँ से SI निकलेंगे। मेरा नाम ममता सिंह ठाकुर है। कहाँ रहते हैं आप? रायगढ़ में। रायगढ़ मेरा जूट मिल साइड, जूट मिल रोड रायगढ़। कैसे आना हुआ यार? यहाँ तेजस एकेडमी वाले स्टूडेंट लोग को SI का ट्रेनिंग कराया जा रहा है, फिजिकल ट्रेनिंग, जिसकी आज 800 मीटर और 1500 मीटर की रेस हुई है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों पार्टिसिपेट किए हैं। और यहाँ के बहुत सारे ट्रेनर है जो हम लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और ये इसकी क्लासेस भी 2-3 दिन में स्टार्ट होने वाली है। फिजिकल की तो चल ही रही है, और फिजिकल की चली रही है, और रिटर्न के लिए भी अभी 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। लगभग कितने की संख्या में गर्ल्स आ रही है? यहाँ 60 से 65 गर्ल्स है, और मतलब टोटल कुल मिला के 160-180 के आसपास स्टूडेंट होंगे, जो बॉयज और गर्ल्स कुल मिला के होंगे।
लग रहा है फायदा मिलेगा आपको इस ट्रेनिंग का? सर बिल्कुल फायदा तो मिलेगा ही। तेजस एकेडमी जिला प्रशासन के द्वारा संचालित है, अभी निःशुल्क कोचिंग संस्थान है, जिसमें कलेक्टर मैडम सम्मी आबिदी और श्रीमान एसडीएम भागवत जायसवाल के द्वारा ये एक अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य चालू किया गया है, जिसमें अभी लगभग सीजीपीएससी और व्यापम के जो छात्र हैं वो करीबन 700 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है सर, और उन्हीं लोगों की तैयारी वहां पे चल रही है, और उसी तारतम्य में अभी सब इंस्पेक्टर जो 580 पोस्ट निकले हुए हैं उसके तैयारी के लिए 180 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, और उनकी फिजिकल ट्रेनिंग मॉर्निंग में 5 से 7:30 और इवनिंग में 4 से 6:30 कराया जाता है, और आज उसी के तारतम्य में अभी टेस्ट चालू है सर, और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 580 पोस्ट सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर की निकाली गई है, जिसके लिए रायगढ़ के जितने भी युवा हैं वो काफी प्रोत्साहित हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर अभी फिजिकल की तैयारी चल रही है, तेजस एकेडमी के द्वारा भी इनको काफी मदद की जा रही है, जिसमें जिला प्रशासन का काफी अच्छा योगदान है, हमारे साथी और हम लोग सब मिल करके चाह रहे हैं कि रायगढ़ में ज्यादा से ज्यादा सफलता मिले और यहाँ के युवा जो है वो शासकीय पद पर जाएं और रायगढ़ का नाम रोशन करें, उसके लिए यहाँ अभ्यास चल रहा है। लगभग कितने की संख्या में आए हैं युवा युवती? लगभग 80 से 90 युवा यहाँ पर हैं, जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हैं, और ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं कि यदि ऐसी मेहनत चलती रही तो 40 से 50 युवा कम से कम जरूर चयनित हों। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN24। और रायगढ़ में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जन्माष्टमी के मौके पर लगभग एक महीने के लिए मेला का आयोजन किया गया। हर वर्ष रायगढ़ में जन्माष्टमी के मौके पर लगभग एक महीने के लिए मेला का आयोजन होता है, और इस मेले में कई प्रकार के झूले बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाए जाते हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन और रायगढ़ युवा कांग्रेस मिलकर एक साथ रायगढ़ पहाड़ मंदिर स्थित मूक बधिर आश्रम के बच्चों को मेला घुमाते हैं, और बच्चों के लिए बिस्किट, चॉकलेट और नाश्ते की भी व्यवस्था की जाती है। निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, जो लगभग पिछले 5 सालों से राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन और रायगढ़ युवा कांग्रेस मिलकर करते आ रही है। रायगढ़ का हर निवासी इनके मुक्त कंठ से इस कार्य की सराहना करता रहा है। ऐसे बच्चे जो कि आम बच्चों की तरह मीना बाजार में जाकर झूलों का लुत्फ नहीं उठा पाते हैं, उन्हें हर साल इनके द्वारा यह खुशी बच्चों में बांटी जाती है, और इनके इस नेक कार्य में जिंदल प्रबंधन भी हर साल इनका सहयोग करते आ रहा है। हर साल बच्चों के लिए आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था जिंदल प्रबंधन द्वारा की जाती है, और मीना बाजार के संचालक तमन्ना हुसैन का भी इस नेक कार्य में सहयोग रहता है। वह स्वयं बच्चों के साथ घूम घूम कर हर झूले का लुत्फ उठाते हैं, और अंत में बच्चों को बिस्किट और मिठाई भी वितरण इनके द्वारा किया जाता है। निश्चित तौर पर इस कार्य की जितनी भी सराहना की जाए उतनी ही कम है। आज हर संगठन को ऐसे नेक कार्यों के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए। हम लोग युवा कांग्रेस और मानवाधिकार की जो टीम है हम लोग मिल के हर 6 साल 7 साल 8 साल से हम लोग ऐसे बच्चों लोग हर साल मीना बाजार लेके आते हैं, और हम लोग ये जब बच्चे लोग ले जाते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चे लोग बहुत खुश रहते हैं, उन लोग खुशी देख के हम लोग भी सब बहुत उत्साहित रहते हैं, जिसमें हमारे अगल बगल आप देख रहे होंगे सभी युवा भाई लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित है बच्चों को लेके आने में। और इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा मीना बाजार के जो मालिक है उनका भी सहयोग रहता है, जिंदल वाले भी थोड़ा सहयोग करते हैं। ये हम लोग हर साल करते हैं, हर साल करते हैं, हमारा प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ और अच्छा करने का प्रयास रहता है, हर बार में सहयोग रहता है, बच्चों को लाके और बच्चों को आपकी तरह नाश्ता वगैरह करवाया जाता है, बच्चे इस बार थोड़ी भीड़ की कमी के कारण आप ये राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और युवा कांग्रेस द्वारा विगत 5 वर्षों से यह कार्यक्रम करवाया जा रहा है, मुख्य बच्चों को हर वर्ष मीना बाजार में मीना बाजार के मालिक द्वारा सहयोग से भी इसका सहयोग मिलता है, और हर वर्ष हमारे संगठन द्वारा युवा कांग्रेस द्वारा बच्चों को लाया जाता है और घुमाया जाता है, इससे हमें भी और हमारे संगठन के लोगों को खुशी महसूस होती है कि मुंबई बच्चों लोग को हर वर्ष लाकर घुमाया जाता है। हम आने वाले सालों में कोशिश करेंगे और हर साल लाने की कोशिश करेंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN24।
और छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम के निर्देशानुसार सभी जिला अध्यक्षकों को जिला मुख्यालय में महिला कांग्रेस का झंडा 16 सितंबर को फहराया गया है। रायगढ़ में भी इसी क्रम में महिला कांग्रेस का झंडा फहराया गया व पोस्टर लगाए गए। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को कार्यक्रम में निमंत्रित किया गया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष छत्तीसगढ़ फूलो देवी नेताम के निर्देशानुसार सभी जिला अध्यक्षों को जिला मुख्यालय में महिला कांग्रेस का झंडा 16 सितंबर को फहराया गया है। रायगढ़ में भी इसी क्रम में महिला कांग्रेस का झंडा फहराया गया व पोस्टर लगाए गए। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को कार्यक्रम में निमंत्रित किया गया। महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय कन्वेंशन बेंगलुरु में 15 व 16 सितंबर 1984 को हुआ था, जिसका शुभारंभ स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था व विदाई भाषण श्री राजीव गांधी द्वारा दिया गया था। उस कन्वेंशन में एक नए संविधान को अंगीकार किया गया था, जिससे महिला कांग्रेस सेल को एक स्वायत्त फ्रंटर संगठन में बदला गया था व नाम रखा गया था अखिल भारतीय महिला कांग्रेस। सितंबर 1984 से अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने एक स्वतंत्र फ्रंटल संगठन के रूप में AICC के अंतर्गत AICC अध्यक्ष के अनुमोदन से कार्य करना शुरू किया था तथा इस वर्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा महिला कांग्रेस को झंडे के रूप में उन्हें अपनी विशेष पहचान दी गई। महिला कांग्रेस द्वारा अध्यक्ष श्रीमती स्नेहलता शर्मा के प्रतिनिधित्व में आज जिला कांग्रेस कमेटी में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी संपूर्ण भागीदारी निभाने का प्रण लिया। रायगढ़ जिले में महिला कांग्रेस की सक्रियता लगातार बढ़ रही है और चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने महिला कांग्रेस के कार्यों में अपनी भागीदारी निभाई एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ऐसी 10 महिलाओं को साल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। आज 16 सितंबर को महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस है। 1984 में हमारी इंदिरा गांधी जी ने बेंगलोर में इसकी के गठन की घोषणा की थी और उसके साथ साथ हमें जो नया